ही अब तू ही तब तू ही कल तक है तू ही तो फलक है तू ही तेरा लक है इस पल में जियो वक्त को जाने ना तो अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो तेरी शान की पहचान हो कुछ ऐसा कर दिखाना कि ना नाम लेगा ये जमाना तेरा नाम लेगा ये जमाना नमस्कार सबको राम राम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का विषय मेरा विचार से ऐसा लिया हमने जो कि आप सबको पहले से मालूम भी होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा, जोखिम लेने में कितनी जोखिम है या ना लेने में जोखिम है कि नहीं है। ऐसा मानते हैं हम कि इफ़ यू डोंट टेक रिस्क दैट इज़ अ रिस्की थिंग। लेट्स सी व्हाट वी वांट टू से। क्या नतीजों की परवाह किए बिना कोई कदम उठाना रिस्क है या फिर नतीजों पर विचार कर आगे बढ़ना रिस्क है? रिस्क क्या है और क्यों ये कहा जाता है कि रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है? रिस्क लेने का रिस्क उन्हीं लोगों में होता है जो भविष्य की योजनाओं का सही आकलन कर पाते हैं। कई बड़े व्यापारी रिस्क के सिद्धांत को समझते हैं और इसका पालन भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापार की भाषा में रिस्क को मुनाफे से जोड़कर देखा जाता है। सामान्य स्थिति में इसे दाम लगाना भी कहते हैं। रिस्क की कोई परिभाषा नहीं है और ना ही इसका कोई एक मतलब है। हर स्थिति में रिस्क के मायने अलग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि रिस्क लेना है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रिस्क नहीं लेंगे तब हमें नतीजों के बारे में भी पता नहीं चलेगा। आइए आज के विषय में हम ये समझने की कोशिश करें कि जीवन में रिस्क लेने के क्या मायने हैं और कैसे हम रिस्क लेकर परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिंदगी में जोखिम लीजिए, यदि सफल हो गए तो समाज को देश को नेतृत्व देंगे और अगर फेल भी हो गए तो दूसरों को सही दिशा दिखा सकेंगे, सही रास्ता दिखा सकेंगे। यानी जब आदमी फेल हो जाता है किसी जोखिम लेने में, रिस्क लेने में, उसमें जो तजुर्बा हासिल होता है, फेल्योर में आदमी ज़्यादा सीखता है बजाय इसके कि जब सक्सेसफुल होता है उससे जितना सीखता है। तो आई एम श्योर यहाँ आप में से बहुत लोगों ने रिस्क लिए होंगे, बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए होंगे, कुछ फेल भी हुए होंगे, नाकामयाब भी हुए होंगे। सर मेरी लाइफ ही पूरी रिस्क पे बनी हुई है। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 16 और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अपना गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने किसी तरह अपना गुजारा करने के लिए जो भी कुछ था वो दांव पे लगाया और एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। उसके बाद जो खाना खाने के लिए पैसे चाहिए थे वो रख के बाकी सारा फिर रिस्क में लगा दिया, फिर अगले वेंचर में लगा दिया, उसके बाद फिर एक अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। अगर हम रिस्क नहीं लेते ना तो हमारी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप कुछ रिस्क लेते हैं जब ही आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं और आप निखर के बाहर आते हो। पहले मैं सैलरीड था, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो सैलरी को छोड़ने के बाद जब चीज़ें आई तो मुझे लगा कि रिस्क लेना चाहिए, और अगर रिस्क लिया तो हम थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर पहुँच गए। मतलब रिस्क लेना मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है। चलिए तो विषय आज का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब आदमी रिस्क लेता है, कोई भी जोखिम उठाता है, तो उसका परिणाम जो है, परिणाम जो निकलने वाला है वो दो ही परिणाम निकलेंगे। एक तो ये कि आप कामयाब हुए, सफलता मिली, दूसरा कि असफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी हम असफलता मिलेगी ये सोच के हमने रिस्क नहीं लिया, तो जो संभावना थी आपकी सफल होने की उसको आपने शुरू करने से पहले ही नकार दिया। और ये भी कहते हैं कि संभावनाओं का ही दूसरा नाम जीवन है, संभावनाओं के ऊपर ही सारा संसार टिका है। तो जो रिस्क नहीं लेने वाला व्यक्ति है वो
उन संभावना को नकारता है और वो नकारने में शायद कभी कभी कुछ जो अच्छी आई हुई अपॉर्चुनिटी भी जो हाथ में होती है वो छूट जाती है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ वो देख के आप भी उतना रिस्क ले लें, ज़रूरी नहीं है। दूसरे को देख के रिस्क लेना बल्कि मैं कहूँगा बेवकूफ़ी की बात। जब आप जो काम करने जा रहे हैं, या ये तो व्यापार की बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं केवल व्यापार में ही रिस्क लिया जाता, दूसरी चीज़ों में भी आप रिस्क लेते हैं, चाहे आपका कोई प्रोफेशन है, चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, या सामाजिक कार्य में भी आदमी रिस्क लेता। तो रिस्क तो हर स्थिति में आदमी लेता है, लेकिन जब आप रिस्क लें तो उसके अंदर खतरा कितना है, कहाँ तक नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को अगर हो गया तो मैं उसको कैसे ठीक कर पाऊँगा, थोड़ा सा ये विचार कर लें तो मेरा ख्याल से रिस्क लेने की क्षमता आपकी और बढ़ जाएगी, कोई कम नहीं होगी। जो व्यक्ति किसी ने रिस्क लिया उनमें कुछ लोग सफल होंगे कुछ नहीं होंगे, एक व्यक्ति जो रिस्क लेने के बाद सफल नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति दूसरों को गाइड कर सकता है? देखिए ये बात आपकी जो है ना ये अशोक जी चली जाती है, आप पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हो या नेगेटिव सोच के व्यक्ति हो। जो आदमी नेगेटिव विचारधारा का व्यक्ति होगा वो आपकी जो बात कहते हैं उस पर खरा उतरेगा कि वो किसी को गाइड कर ही नहीं सकता, उसमें और नेगेटिविटी और ज़्यादा भर जाएगी। जब उसको असफलता मिली तो उसके अंदर वो जो नेगेटिविटी की मात्रा थी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव व्यक्ति से कोई आदमी वैसे भी उसके पास जाके बात करके खुश नहीं होता। आप देखते हैं हमारे समाज में भी हैं लोग, हमारे आसपास भी लोग हैं जो आप देखते हो उनसे बात दो बार चार बार छः बार ब्याह शादी में भी मिल जाते हैं तो आप उससे कटने लगते हो, बोले यार इससे दूर ही रहो, ये तो कुछ ना कोई उल्टी बात करेगा, नेगेटिव बात करेगा। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक अपने रूप से अलग ही विषय है। मैं ये कहता हूँ आपको, जो फेल्योर से जो आपको जानकारी मिलती है और आप जो दूसरे को गाइड कर सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटी तो आपके अंदर आती है। और स्वामी विवेकानंद ने ये सोच के कहा, ये मैं समझता हूँ कि प्रेरणा देने के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, भाई रिस्क लीजिए, अगर आप को फेल्योर भी मिला तो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे, और सीखने को अगर आपको मिलेगा, आपको अगर एक्सपीरियंस उससे मिलेगा तो उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके दूसरे अटैम्प्ट में फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई फेल्योर इज़ ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट इट, असफलता तो तभी है जब आप उसको स्वीकार कर लो, नहीं तो असफलता नाम की चीज़ है नहीं ना। प्रॉफिट इज द इंसेंटिव फॉर टेकिंग अ रिस्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन आजकल जो स्टार्टअप्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेशन भी हैं जो लिक्विडेट हो रही हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या उन्होंने अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया है, या फिर हम ये कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लिया है, कि इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो कई सालों से चल रही थी आज लिक्विडेशन की कगार पे हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेट, तो उसका क्या वजह रहा? जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑल ऑफ ए सडन कभी कभी लिक्विडेशन पे चली गई या कुछ गई, तो हर कंपनी का अलग अलग विषय रहा है। लेकिन अगर आप IBM जैसी कंपनी को देखें जो कंप्यूटर और ऑफिस ऑटोमेशन और तरह तरह की बहुत सी चीज़ें, एक IBM का नाम आप सैकड़ों वर्षों से इस देश में सुनते आए होंगे, तो एक प्रकार से उनकी मोनोपोली थी कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर्स। लेकिन वो कंपनी को ये बात, क्योंकि सक्सेस इतनी थी उनकी, उनकी मोनोपोली जैसी स्थिति थी, तो उन्होंने अपनी उस मोनोपोली को बचाए रखने के लिए काम किया। और जबकि छोटे जो लोग आए, एप्पल जैसा आया, दूसरे को लोग आए, उन्होंने पर्सनलाइज कंप्यूटर का इजाद करके उसको मार्केट में फ्लड कर दिया, उनको पता तक नहीं लगा। तो कभी जब हम अपनी इस कामयाबी को इतना उसके अंदर घुस जाते हैं
हमको लगता ही नहीं कि हम कभी फेल हो सकते हैं या हमें कोई इस जगह से हटा सकता है, हिला सकता है। जब वो चीज़ करने लगे जिसको कंप्लीसेंसी हम बोलते हैं, कंप्लीसेंसी किसी भी बिजनेस में आए तो आज के दिन तो एक टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें कोई भी आदमी आपको पीछे से आके और गाड़ी आगे लेकर के जा सकता। बिहार यूपी में बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए किसान अपनी ज़मीन बेच देता है। यहाँ छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं जो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाते, बड़े बड़े सपने लेते हैं, पेरेंटिंग करते नहीं, बच्चा पैसा डुबो देता है। मेरा सवाल ये है आपसे कि बच्चों के ऊपर कितना रिस्क लें या ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आज के युग में। चलिए आपका जवाब देते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद मी, थैंक यू। आपका लगभग 90% कामयाबी में आपका एफर्ट, आपके कर्म काम आते हैं, 10% शायद भाग्य भी काम आता होगा, लेकिन उसको रिवर्स कर लीजिए अब तो। मेरा ये कहना होता है कि भाई वो 90% जो है वो 10% के बिना जीरो है। वाकई बहुत अच्छा सवाल कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर कितना रिस्क लें, उनको बिजनेस कराने के लिए, उनको चाहे कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए कहाँ तक जाएं। मेरा आपसे ये कहना, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर बच्चों को अगर आप संस्कार अच्छे देंगे बचपन से और उनको शिक्षा अच्छी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिस्क बच्चों पर लेने की आवश्यकता है। और अपने यहाँ तो खासकर कहावत है कि आप तो कह रहे हो कि रिस्क लेना मतलब आप पैसा जोड़ोगे बच्चों के लिए तभी रिस्क लोगे ना, उनके पैसा लगाओगे। अपन तो कहावत ये मानते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो वो तो अपने आप अगर पैसा नहीं भी लगाएंगे तो वो उसमें उसको संस्कार दीजिए, उसके अंदर ट्रेनिंग दीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि आज की जो जनरेशन है उससे संबंधित है कि हम लोग एक मेहनत करके एक अपना व्यापार या कोई भी प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं तो आज के जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा लिखा के इस योग्य बनाते हैं वो उसमें साथ सहयोग नहीं करना चाहते, वो उससे अलग चलना चाहते हैं, तो जबकि हम उस कामयाबी को पाल लेते हैं वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो उसमें आप क्या आप कहना चाहेंगे जिससे कि हम अपने बच्चों को जिस सफलता की राह पे हम ले चल रहे हैं या उनको भी हम ला सकें। कि आप उसको मजबूर क्यों कर रहे हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, उस बच्चे को अपने उस कली को अपने आप से फूल बनने दीजिए ना, उसको जो करना है उसके लिए उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आप एनकरेज करिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत बिजनेस कर रहा है तो राय दे दीजिए, पर वो फिर भी कर रहा है तो उसको करने दीजिए, रोकिए मत, वो अपने आप कैसे ना किसी दिन आपको प्राइड फील करेगा, लेकिन उस पर भरोसा ज़रूर रखिए। लेकिन अगर उसको बार बार आप कहेंगे तू तो निकम्मा है, तू कभी कुछ नहीं करेगा, ज़िंदगी में कामयाब होगा ही नहीं, ये आप अगर बच्चे को कहते रहेंगे, जो कि हम अक्सर माँ बाप करते हैं गलती, अपने बच्चे को क्या है आप कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से, तो सुभाष चंद्रा को देखो, देखो वो 17 रुपये लेके निकला था, कितना हो गया, तू क्या करेगा निकम्मा। जब बार बार उसको आप ऐसा कहते रहेंगे, सही मानिए किसी न किसी दिन उस बच्चे को भी किसी न किसी वीकर मूमेंट में इस बात पे यकीन हो जाएगा कि मेरे पापा जो कहते हैं कि मैं निकम्मा हूँ, हाँ वाकई मैं निकम्मा हूँ, और वो सोच के उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म कर देंगे आप। प्लीज़ उसको एनकरेज करिए। कोई भी आदमी किसी प्रकार का कोई भी रिस्क ले तो उससे पहले उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना रिस्क वो ले, ये उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं कि मुझे इस काम पर जाना है
इसमें रिस्क लूं या ना लूं, तो आपके मानस पटल पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस वक़्त एक तो आपकी मन स्थिति क्या है। कई बार आप किसी वक़्त एक ऐसे घंटों से गुज़र रहे होते हैं जिस समय में आपका चाहे कोई शारीरिक तकलीफ़ है या तभी कुछ आपका किसी अपने नज़दीकी प्रिय आदमी से झगड़ा हुआ हो, आपने कुछ टेलीविज़न पर इधर उधर और कोई डिप्रेसिंग खबरें सुनी हो, तो आपकी मनस्थिति बदल सकती है। तो उस समय आपकी मनस्थिति क्या है और आप ये अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे ये रिस्क क्यों लेना चाहिए, ये प्रेरणा क्यों मिल रही है इस रिस्क को लेने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके किसी अंदर दूसरे मन में ये भी बात कह रही होगी, आपका मन में आ रही होगी, मुझे रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए। इन दोनों बातों को आप सुनिए। बार बार मैं कहता हूँ कि क्षमता आपके अंदर अपने अंदर है, ये जानने की भी क्षमता है कि मैं रिस्क लूँ या ना लूँ। यानी बाहर का कोई व्यक्ति आपको गाइड कर सकेगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिस्क टेकर ने आज तक किसी बाहर वाले के कहने पर कोई काम रिस्क लिया हो या किया हो। आप अपने मन की सुनिए, ठीक मन से सुनिए। उस वक्त अगर आपका मन उद्विग्न हो, नेगेटिव सोच रहा हो, उस दिन मत सोचिए, दो घंटे छोड़ दीजिए, दो घंटे विश्राम कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन जब मन की स्थिति नॉर्मल हो उस समय अपने आत्मा को सुनिए, आपको आपका जवाब मिलेगा। और उस पर अगर जब आपका निर्णय ये हो जाए कि हाँ मुझे इस काम को करना है, फिर उसके ऊपर दृढ़ता से करिए, विश्वास के साथ करिए। फिर ये मत सोचिए कि मेरा कहीं गलत तो नहीं कर लिया मैंने, ये निर्णय गलत तो नहीं कर लिया। ये अगर वेवरिंग करेंगे तो मर जाएंगे। एक बार वो क्या कहते हैं, छोटी सी बात है, प्रताप सिंह कह रहे हो मुख्यमंत्री होते हो, उनके साथ शर्मा जी उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, गाड़ी में बैठे हुए एम्बेसडर में जा रहे थे कहीं, सामने से बिल्ली आके रास्ता काट रही थी, कट गई, मर गई कार के नीचे आके। तो उन्होंने उसे पूछा, भाई ये पंडित जी ये क्यों मर गई बिल्ली? कहते पंडित सरदार जी क्या बात हुई, आई बिल्ली रास्ता काट रही थी, सड़क पे आई, मर गई। कहते भाई तेरी तो मैं, तू फाइनेंस मिनिस्टर रहने लायक नहीं है मेरे साथ, तुझे समझ में नहीं आया कि वो बिल्ली पहले आगे आई फिर पीछे भागी, क्योंकि वेवर कर गई कि आगे क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ, इसलिए मर गई वो। तो डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए, डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। अभी तक हम बात कर रहे हैं रिस्क की, एक शब्द है कर्म, एक शब्द है भाग्य। हम कर्म और भाग्य के बीच में रिस्क को कहाँ लेते हैं? क्योंकि वही काम आपने किया, आप कहाँ पहुँच गए, वही काम किसी दूसरे ने किया, वो फेल हो गया। इस तरह के बहुत उदाहरण ऐसे हैं जो कि अपने कर्म पूरा करने के बावजूद, सब कुछ करने के बाद जब फेलियर हुए तो उन्होंने भाग्य को कोसा। तो आप इस रिस्क में भाग्य को कहाँ मानते हैं, भाग्य को कितना कंसिडर करते हैं, जरा सा प्लीज ये बताएं। देखिए भाग्य को देखा नहीं मैंने तो इसलिए जानता नहीं हूँ उसको। लेकिन एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, अपने संस्कृति के साथ जिए हैं, बड़े हुए हैं, तो ये भी विश्वास है कि हाँ ज़रूर कोई ना कोई एक शक्ति है जो हमें कभी ना कभी किसी न किसी ठीक रास्ते पर ले लेती है, उसको हम भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, या पिछले जन्मों का कर्म कहते हैं, कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं उसको। साधारण रूप से मेरा ऐसा पर्सनली जब मैं इस विषय को जवाब देता हूं तो मैं यूं कहता हूं, सही गलत आप देखिएगा उस पर, आपका लगभग 90% कामयाबी में आपका एफर्ट, आपके कर्म काम आते हैं, 10% शायद भाग्य भी काम आता होगा। लेकिन उसको रिवर्स कर लीजिए। अब जो लोग अपने विचार में भाग्य को ज़्यादा साथ देते हैं, और 90% लोग हमारे में उस बात को सोचते हैं, पहले
हम सब व्रत रखेंगे, भगवान के पुरोज जाके जल चढ़ाएंगे, हर श्रावण में शिवजी मंदिर में जाके रोज़ जल चढ़ाएंगे। तो मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने भाग्य के ऊपर, तो उसको रिवर्स कर लीजिए कि 90% भाग्य और 10% आपका कर्म। यहाँ पर अगर हम इतना तक भी पहुँच जाएँ तो मेरा ये कहना होता है कि भाई वो 90% जो है वो 10% के बिना जीरो। एक जॉब मैं करता था अमेरिकन एक्सप्रेस में, और 2012 में मुझे ये किसी ने सजेस्ट करा था कि आप अपने फादर को ऐसी जगहों पे ढूंढें जहाँ पे फ्री में खाना बढ़ता हो। तो उस दौरान जो बेघर दिल्ली के लोग हैं उनके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुई। अगर हम लोग, मेरी सामर्थ्य समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की है, तो मुझे किस लिमिट तक जाकर उसमें रिस्क लेनी चाहिए? क्या मुझे अपने जीवन यापन के लिए एक बेसिक फंड अलग रखना चाहिए, भविष्य अलग रखना चाहिए और रिस्क फैक्टर एक प्रोग्रेस के लिए अलग रखना चाहिए? इस विषय पर प्रकाश चाहता हूँ। एक स्थिति पेशेवर जुआरी की है, जिसका पेशा ही जुआ खेलना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का जुआ हो और चाहे वो कैसीनो में जाके खेलने का जुआ हो, या किसी का आपस में ग्रुप बना हुआ है, वो पत्ते खेलते हैं दोपहर के, शाम को फ्लाश खेलते हैं, रमी खेलते हैं, हार जीत वाकई करते हैं। तो वो जो जुआरी है वो भी करंट स्थिति को अपनी को देख करके रिस्क लेता है। कभी उसकी चाल अगर ठीक चल रही है तो बोला यार ठीक पत्ते पड़ रहे हैं, चलो अभी तो रिस्क और लो, और लगाता जाता है, वो ब्लाइंड और खेलता है। लेकिन कभी उसके पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं तो बोला नहीं यार पत्ते ठीक नहीं आ रहे, अब छोड़ दो, रिस्क मत लो। दूसरी स्थिति, जब आदमी के पास पैसा या धन लगभग ठीक ठाक होता है, उस समय में वो आदमी की रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। वो क्यों? उसको जो पैसा अभी तक मिला है उससे मोह हो जाता है ना। जब किसी भी चीज़ से मोह हो जाता है तो डर पैदा होता है, और जब डर पैदा होता है तो उसको लूज़ करने का चिंता सताने लगती है, उस समय में वो आदमी रिस्क नहीं लेता। तो आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी अपनी इंडिविजुअल की स्थिति तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। और एक अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वैसी स्थिति है कि आप जिसको बिना रिस्क के अपना धन को बढ़ाना है तो भाई नेशनलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट जमा कर दो। अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो पूंजी का भी रिस्क लेना पड़ेगा, उसको चाहे वो म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे कोई प्राइवेट पार्टी को हायर इंटरेस्ट पे दें। तो रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। देखें, हमारे साथ एक आज बड़ा एक नौजवान युवक है। देखिए, जिस युवक ने, आप एक अंदाज़ा लगाइए कि केवल पढ़ाई पूरी की हो किसी ने, नौकरी भी तलाश में लगा हो, और उस समय उनका एक ही सहारा उसके पिता गायब हो जाएं यकायक एक दिन सुबह, तो वो उस युवा लड़के ने कैसे अपना आगे का जीवन बढ़ाया होगा, और उस जीवन को बढ़ा के वो टीस जो अपने पिता के गुम होने की थी उसको मरने नहीं दिया होगा, और आज वो अपना नौकरी छोड़ करके, जो अच्छी नौकरी करता था वो छोड़ करके, वो इसी प्रकार के लोगों में अपने बाप को ढूंढता है, या बुरी हालत में है उनको इकट्ठा करके ये इर्तिजा जो है वो उनको कैसे करता है, आइए उनसे जानते हैं। इर्तिजा, प्लीज़ वेलकम हिम। स्वागत है आपका, आइए देखते हैं इर्तिजा के बारे में हमने क्या कुछ इकट्ठा किया। जिन लोगों के पास उम्मीद होती है वो हार कर भी कभी नहीं हारते।
सड़क किनारे बैठे अजनबी को देख जब किसी का मन सिहर जाता है तो वो इर्तजा कुरैशी बन जाता है। बेघर लोगों में रिश्तों को तलाशना आसान नहीं होता, लेकिन इर्तजा ने इसे मुमकिन किया है। इर्तजा हमारे आपके जैसे ही एक युवा हैं, जिन्हें एक घटना ने इस कदर बदल दिया कि वो बेघर लोगों के अभिभावक बन गए। मेरे फादर 2005 में कहीं गए और फिर वापस ही नहीं आए और हम उन्हें ढूंढते रह गए। और इस दौरान किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि ऐसी जगहों पे उन्हें ढूंढो जहाँ पे फ्री में खाना बंटता हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की याददाश्त चली जाती है लेकिन जो भूख का एहसास है वो हमेशा रहता है। इर्तजा ने मरहम नाम से एक ऐसा घर बनाया जहाँ न सिर्फ जरूरतमंद लोगों को छत मिल रही है बल्कि काम, रिश्ता और इज्जत की जिंदगी भी मिल रही है। जब से इर्तजा भैया जी से मिले हैं तो हम लोगों का सोच चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है। हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है ये हमें मालूम नहीं था। जब हमने मरहम ज्वाइन किया तब हमें पता चला कि नेटवर्किंग क्या है। इर्तजा कहते हैं कि जब भी वो सड़क किनारे बैठे अजनबी लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं किसी फुटपाथ पर ऐसे ही उनके पिता भी ना बैठे हों। इर्तजा कुरैशी ने बेघरों को मरहम का आसरा दिया है, साथ ही काउंसलिंग कर इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। आपने अपनी हिम्मत और मजबूत इच्छा शक्ति से इस बात को साबित कर दिखाया कि अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो ये बताइए इर्तजा, अब यहाँ तो आपने सुना होगा कि इतनी देर से बात कर रहे थे रिस्क प्रॉफिटिंग, रिस्क लें ना लें, तो आपने जो ये रिस्क लिया आपके मन में उसमें क्या आया कि अपनी अमेरिकन एक्सप्रेस की नौकरी आपने छोड़ी और ये काम पे लग गए आप, और अब तक आप कितने 14 आदमियों को एक सही इंसान बना चुके हैं, उनको काम दिला सके हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखा सकें, सब कुछ बताइए। देखिए मेरा बिजनेस से तो कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन फिर भी एक जॉब मैं करता था अमेरिकन एक्सप्रेस में, और 2012 में मुझे ये किसी ने सजेस्ट करा था कि आप अपने फादर को ऐसी जगहों पे ढूंढें जहाँ पे फ्री में खाना बंटता हो। तो उस दौरान जो बेघर दिल्ली के लोग हैं उनके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुई और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसे एक PPT में बना लिया, और मैं अगले 3 साल तक बस ये सोचता ही रहा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करा जाए, कैसे स्टार्ट करा जाए। तो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हुई? रिस्क लेने का सोचा ही नहीं, यही सोचता रहा कि जॉब करता रहूँगा, जॉब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता और इसी में मुझे टाइम निकालना है। 3 साल ऐसे ही गुजर गए और कुछ भी नहीं हो पाया, और फाइनली एक रिस्क उठाया, जॉब क्विट करी। उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी और बड़ा डिसीजन था वो, फैमिली भी डिपेंडेंट थी। लेकिन मैं वहाँ बैठ के ऑफिस में यही सोचता रहता था कि आज से अगर 20, 25, 30 साल बाद मैं सोचूंगा कि शायद मैं कुछ कर सकता था इस तरह का, एक पूरा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में था, पूरा जहन में था, तो मेरे ख्याल से ये रिस्क ना लेना इससे भी बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि 25 साल बाद जो मुझे पछतावा होगा कि मैंने ये क्यों नहीं करा, वो मेरे ख्याल से उससे भी बड़ा लॉस होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस विषय में भी उसने सोचा कि रिस्क ना लेना बड़ा रिस्क होगा, और 25 साल बाद जब मैं सोचूंगा कि मैंने क्यों नहीं किया, शायद मेरे पिता मिल जाते तो उस समय बहुत बड़ा पछतावा होता। तो ये भी एक सीखने की बात है भाइयों बहनों आज के दिन। चलिए, और आप जो मेरे दर्शक जो घर बैठे हुए हैं इसको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग किसी एक कंसर्न को लेके बहुत सोचते हैं, कोई क्लेनलीनेस को सोचता है, कोई होमलेसनेस को लेके सोचता है, लेकिन हम लोग अक्सर सारी चीज़ें दूसरे पे छोड़ देते हैं। हम लोग आपस में शादी ब्याहों में मिलते हैं, गैदरिंग्स में मिलते हैं और छोटे छोटे डिस्कशंस करते हैं कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है, वो चल रही है, और हम एंड उसका रिज़ल्ट ये करते हैं कि सारा ब्लेम अपने से अमीर इंसान पे या अपने से जो ज़्यादा खाली इंसान है उस पे या किसी पॉलिटिशियन पे, उस पे ले जाके छोड़ देते हैं, अपने से मोर शक्तिशाली आदमी पे उस पे डाल देते हैं, और इसी चक्कर में कोई काम शुरू ही नहीं हो पाता। तो आप किसी भी स्टेज पर हैं,
आप दूसरे से कंपेयर ही मत करें अपने आप को। अगर आपके दिल में है सोसाइटी में कोई भी चेंज लाना, तो आप अपने आप को उसमें फंसा दें, शुरू कर दें। आप पहला स्टेप छोटी सी प्लानिंग में, बिना कोई मीटिंग्स करे, बिना कोई उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करे, पहला स्टेप तो रिस्क उठा के ले लें, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह खुद ब खुद फॉल होती जाएंगी। तो ये मेरा सजेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी। इर्तिजा, आपका शो पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। कीप डूइंग योर गुड वर्क। आई नो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो देखिए, ये एक अलग तरह का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, एक अलग तरह की सोच। हर चीज़ में हमको कुछ ना कुछ अगर सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। ये मेरे इस बारे में, जैसे इन्होंने कहा कि टेक द रिस्क, टेक द डिसीजन, और उसको राइट करना, रॉन्ग करना बाद में होगा। आपके दिल और दिमाग में दो सवाल आते हैं, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी जो तकलीफें है वो प्रारंभ की तकलीफ है या ये तकलीफ की प्रारंभ है? तो प्रारंभ की तकलीफ है तो कोई तकलीफ नहीं, आराम से छोटी मोटी हो जाएगी, यू विल कवर अप। और यदि तकलीफ की प्रारंभ महसूस करते हो उस काम के हाथ मत लगाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ऐसे हमारे बीच में एक हैं जिनको आप शायद जानते भी हो काफी लोग, रमेश जी अग्रवाल। जब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स छोड़ी तो इनके पास जितना पैसा था सब दे दिया, एक रुपया कुल रख के। मुझे नहीं पता उस वक़्त इनके मन में क्या चल रहा होगा। और आज देखिए, घर बसाने का काम करते हैं, लोगों का काम भी करते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। आइए रमेश जी अग्रवाल से मिलते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, आप बताइए, अभी आज जो आज 82,000 से 85,000 घर आप हर साल कम से कम एक साल में मूव करते हैं, तो किस प्रकार की फीलिंग आपके मन में आती है, क्या लगता है आपको? व्यापार तो है अपनी जगह, ये क्या फीलिंग आती है उस समय ये सब करते हुए? बिजनेस में एक सिखाया जाता है कि जहाँ मोर पेन वहाँ मोर गेन। जब मैं भारतीय वायुसेना में जब सर्विस करता था और एक सरकारी नौकरी को छोड़कर व्यापार की तरफ जाना, और वो सरकारी नौकरी भी डिफेंस की छोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता, तो एक रिस्क ली। और रिस्क के अंदर किस तरह से एक कैलकुलेटिव रिस्क ली, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया, एक पेन समझा पहले, क्योंकि मैं डिफेंस में था तो एक पेन था कि जब हमारा प्रमोशन होता है तो खुशी होती थी, बस साथ के साथ जब घर शिफ्ट होता था तो वहाँ बड़ी पेन होती थी, क्योंकि ये कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है, ये कहाँ से लाया हुआ है, ये जाएगा कैसे। तो ऐसा महसूस किया कि शिफ्टिंग इज ए पेनफुल। तो सोचा कि जब पेनफुल एरिया है, यदि मान लो इसमें काम किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस तरह से एक महसूस किया कि इस रिस्क ले लो अपने आप और बहुत बढ़िया बन जाएगा। जैसे घर बनाते हैं तो पहला क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हो, उसके बाद आप बाद में सोचते हो कि क्या क्या होना चाहिए। इसी तरह मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि किस तरह से ये काम किया जाए, और उसके मुताबिक और दिल और दिमाग में दिखाया कि ये काम भरोसेमंद है, बढ़िया है, और इस तरह से वो काम करना शुरू किया। तो देखिए, इससे एक सीख मिलती है। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन भेजते हैं मेल पर के कोई नया काम बताइए, क्या किया जाए। मेरा जवाब भी यही होता है जो अभी रमेश जी ने कहा, अगर आप सजग हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ भी उसके प्रति सजग अगर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि लोगों की क्या आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। उसी में आपको कोई ना कोई व्यापार की करने की चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ सीखने में मिल जाएगी। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जब इनका प्रमोशन डिफेंस में होता था तो लोग अपना घर बदलते थे तो किस तरह से तकलीफ होती थी, तो उसमें से समझ लिया कि ये बिजनेस करने जैसा है, और उसमें आगे कामयाब भी हुए। जब आपने नौकरी छोड़ी थी और आपने वो टोटल जो अपनी इनकम थी ग्रेचुटी की, वो आपने सारी वाइव डोनेशन को सब दान कर दी थी, तो उस वक्त चूँकि वो जिंदगी भर की आपकी कमाई थी और वो आपने दान कर दी थी, तो आपने क्या ये फैसला इतना बड़ा लिया, तो आपको उस वक्त कैसा लगा होगा? जिस परिवार में पैदा हुआ वहाँ एक ही चीज़ कहा जाता था कि आप हम जो कुछ देते हैं उसको दान मत समझो आप। मैंने कभी देने को उसको दान नहीं समझा, उसको मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट FDR समझा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और ये विश्वास है कि FDR कभी भी
आपकी मल्टीपल होती है, वो कम नहीं होती। तो मैं जब 40-45 हज़ार रुपये FDR कर रहा था तो मेरे को दिमाग में था ये तो मेरे मल्टीपल होंगे। तो दो तरह की FDR होती है, बैंक में तो 5-6 साल में होती है, और किसी सामाजिक समाज के देश के जिस काम में करेंगे तो शायद वो 5 साल में कई मल्टीपल हो जाती है। तो वो FDR ही की थी मैंने, और वो मेरा को विश्वास इसलिए था कि हमारे परिवार में घर में जिस तरह का माहौल था तो उसी से सीखा, उसी संस्कार से ही FDR करने की हिम्मत मिली। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। हाँ सर, अभी आप कैलकुलेटिव रिस्क की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेटिव रिस्क से क्या परिभाषा देते हैं आप उसे? देखो, आप हम जब व्यापार करते हैं, मैंने एक ये व्यापार किया क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से जो गांव से लोग टाउन की तरफ जा रहे हैं, टाउन से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर से महानगर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो साइकिल चल रहा है इसमें डेफिनेटली और एजुकेशन की तरफ हर आदमी बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि हर आदमी को एक जब नौकरी मिलेगी, बड़े शहर में जाएंगे तो घर का शिफ्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ 1987 में हालांकि बहुत छोटी सी एक शुरुआत थी, मगर दिमाग में लग रहा था कि आने वाला इसका भविष्य 100 साल का है। आपको सोचते हैं किसी की लाइफ होती है, हर चीज़ की लाइफ होती है, तो मेरे इस व्यापार की लाइफ मैंने उस टाइम आंकड़ा की थी कि 100 साल से कम नहीं है। तो एक रिस्क लेने का आसान मौका मिल गया। मेरा रिस्क क्या था कि जब व्यापार शुरू किया था 4,000 रुपये किसी दोस्त की माँ से लिए, 40 रुपये मेरे पेट्रोल में फूक गए, तो 3,960 रुपये मेरे पॉकेट में आए, और उसके मैंने परचेज छुपवाए। रात को जब ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन होता था, आर्मी का हेडक्वार्टर होता था, उसके अंदर जो वाइपरों के ऊपर पर्चे डाला करते थे फ्लायर, और सुबह इंतजार करते थे फ़ोन के सामने किसका फ़ोन आएगा, उसमें से एक दो फ़ोन आ जाया करता। तो रिस्क हमारी कुल 4,000 तक की रिस्क थी, और उसको ये लग रहा था कि मेरा बिजनेस बहुत ही मल्टीपल होने वाला है। तो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क, आपको रिस्क तो लेनी चाहिए। तो आपको भरोसा था उस दिन भी जब आपने 3,900 रुपये का रिस्क लिया, उस दिन आपको अपने अंदर में आत्मविश्वास था कि मेरा बिजनेस पूरा कामयाब होगा ही होगा और बड़ा बनेगा? जो हमारे व्यूअर घर पे बैठे हुए देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? रिस्क से पहले मैं ये कहूंगा कि दो चीज़, जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे ब्लूप्रिंट आपने बना लिया, आपके दिल और दिमाग में दो सवाल आते हैं, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी जो तकलीफें हैं वो प्रारंभ की तकलीफ है या ये तकलीफ की प्रारंभ है? दोनों में फ़र्क है। इज इट इनिशियल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल्स? तो प्रारंभ की तकलीफ है तो कोई तकलीफ नहीं, आराम से छोटी मोटी हो जाएगी, यू विल कवर अप। और यदि तकलीफ की प्रारंभ महसूस करते हो उस काम के हाथ मत लगाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद रमेश जी। आई जैसा कहा रमेश जी ने कि तकलीफ बाद में है कि पहले है ये सोचो, ऐसे ही आज की जितनी चर्चा हुई, जो आपके सवाल आए, जो बातें हुई, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली आज और जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए वो ये है कि एक तो सक्सेस में खुशी नहीं है बल्कि खुशी में सक्सेस है, ये ध्यान में रखिए। खुश रहेंगे, एकदम अच्छे मूड में रहेंगे तो रिस्क लेने में भी मज़ा आएगा, रिस्क लेंगे भी आगे भी बढ़ेंगे। एक दूसरी बात, चेंज योर ऑर्बिट, ऑर्बिट शिफ्टिंग करना सीखिए ज़िंदगी में। कोई भी बात को ये तो संभव नहीं है, उस वो क्यों होती है पहले जवाब हमारे मुंह से कैसे निकलता है, क्योंकि हमें उस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये ऐसी बात भी हो सकती है क्या लाइफ में। तो इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ, खासकर युवाओं से और उद्यमियों से, कि अपना ऑर्बिट बदलिए। संभावनाएँ हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव ना हो, हर चीज़ की संभावनाएं हैं। पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिविटी रखेंगे तो रिस्क लेने में भी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी रिस्क लेने की, उससे समस्याओं से जूझने की भी ताकत बढ़ेगी और आप आगे बढ़ेंगे। यही मेरा आप सबसे कहना है। इसके साथ जय हिंद, जय धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ, थैंक यू वेरी मच। सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी scshow@subhashchandra.com वर मेल करा किंवा SMS करा scshow स्पेस द्या, आपला प्रश्न लिहा आणि पाठवा 57575 वर।